हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसे रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, आप सब स्वस्थ और मस्त हो, आप सब स्वस्थ रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। आप सबका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए, आप सबका सोल पर्पज पूरा हो, आप सबकी रियूनियन हो। माई सोल फैमिली, माई व्यूवर्स, माई सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। बस यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद को बैलेंस रखिए, पेशेंस रखिए और सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाइए। सो गॉड ब्लेस यू माई सोल फैमिली, माई व्यूवर्स, माई सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। जिन लोगों की रियूनियन हुई है उन लोगों को बहुत 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 मुबारक हो। यूनिवर्स ने आपको मिलाया है डियर, तो आप अपने ऊपर बैलेंस रखिएगा और अपना सोल पर्पस जरूर पूरा कीजिएगा। मैं बहुत दिल से आप लोग को दुआ देती हूँ कि आप लोग की जर्नी बहुत अच्छी हो। और कुछ हमारी सोल फैमिली जो परेशान है, आने वाले समय में आप लोग की भी रियूनियन होगी डियर। बस यूं ही विश्वास के साथ आप इस जर्नी को पूरा कीजिए। दर्द पेन सब को यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, सिर्फ अपना इनर वर्क कीजिए, अपने विश्वास को बढ़ाइए, ठीक है। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, चलिए आज का वीडियो जो है आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी पर है। ये जो रीडिंग है डियर, ये कलेक्टिव रीडिंग है, किसी को रेजोनेट करता भी और नहीं भी करता है, तो प्लीज पॉजिटिव होकर सुनिएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। तो माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, बस आपकी सफलता ही चाहिए और मैं इस सफलता से मैं बहुत खुश होती हूँ और यूनिवर्स भी खुश होते हैं। आपको विश्वास की जर्नी पर आगे बढ़ना है डियर, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है, आपके पर्सन आपको कुछ मैसेज भी देना चाहते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, नो कांटेक्ट पर हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेकर, तो डियर ये वीडियो आप लोग के लिए है। अगर ये वीडियो आपको पूरा रेजोनेट करता है तो रखिएगा, नहीं करता है छोड़ दीजिएगा, बट आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। ऑल साइन के लिए डियर, जिसमें अर्थ साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन है, मैं पूरे साइन बता देती हूँ डियर, ठीक है। सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस है, पाइसेस है, एरिस है, जेमिनाई है, टॉरस है, कैंसर है, स्कॉर्पियो, लिब्रा, वर्गो, लियो है डियर। ये ऑल साइन के लिए, ठीक है डियर। जो मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं वो एरिस है, टॉरस है, कैंसर है, कैप्रिकॉन है और लियो है डियर। ये बहुत ही स्ट्रांग है। एज बता देती हूँ डियर आप लोगों की, 22 से 30 प्लस, 30 प्लस से 40 प्लस तक है डियर आप लोग की एज हो सकती है, ठीक है। तो पॉजिटिव होकर सुनिएगा, क्योंकि ये मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो मेरे सोल सिस्टर एंड सोल ब्रदर, आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा। गुस्सा यानी आपके अंदर नेगेटिविटी, ये गुस्सा आपको खोखला करती है, परेशान करती है, झगड़े कराती है, खुद को बीमार कराती है। इसलिए आगे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए, इनर वर्क कीजिए और अच्छी चीज मैनिफेस्ट कीजिए डियर, ठीक है। आगे आपके पर्सन का आपके लिए मैसेज भी होगा डियर, पहले मैं आपकी एनर्जी बताती हूँ डियर। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप अभी जो फील कर रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो, आप अभी इस वक्त मैं देख रही हूँ कुछ ना कुछ सोच रहे हो और थोड़ी सी निराशा भी है आप लोगों को, ठीक है। पर आप बहुत विश्वास कर रहे हो, ऐसा नहीं है, सोच तो जरूर रहे हो डियर, लेकिन आप पॉजिटिव भी हो अपने प्यार को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। तो डियर कहीं ना कहीं मैं देख रही थोड़ी सी निराशा आपके दिल और दिमाग में है, लेकिन आपने यूनिवर्स पे विश्वास किया है, इस जर्नी पे विश्वास किया है, लेकिन आप अभी अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा फील कर रहे हो, आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप परेशानियों से गुजर रहे हो, ऐसा नहीं आप परेशानियों से गुजर रहे हो, कुछ लोग हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कुछ लोग की मैनिफेस्ट जो भी करें वो पूरा नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से आप बहुत चिंतित हो। लेकिन कोई बात नहीं डियर, सबके अपने अपने ब्लॉकेज होते हैं, तो कुछ ब्लॉकेज आप लोग को और हील करना है, कुछ कर्मा को हील करना है और अपने चक्रास हीलिंग जरूर करना है डियर, ये आपके लिए है, ठीक है। आप अपने पार्टनर को बहुत फील कर रहे हो, आप अपने दर्द को छुपा नहीं पा रहे हो। कुछ व्यूवर्स को मैं देख रही हूँ कि वो बिल्कुल नहीं सो पा रहे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा कभी कभी रोना आ जा रहा है, उन्हें हर वक्त लगता है मेरे पर्सन मुझे कॉल मैसेज करें। और अगर आप नो कांटेक्ट में हो, तो अगर आप और आपके पर्सन में दुनिया है, तो आप ज़्यादा मत सोचो, आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन इंतजार नहीं करना है डियर, आपको मैनिफेस्ट करना है। आपने बहुत कुछ खोया है इस रिश्ते को लेकर, आपकी सारी उम्मीदें हैं, एक सपने हैं, एक घर है, ऐसा आप सोच रहे हो, अपनी लाइफ की ओर आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप लोग अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो और अपनी शादी, अपनी मैरिज देखते हो। कुछ लोग को प्रपोज किया गया है, कुछ को कमिटमेंट दिया गया है, कुछ को कॉल मैसेज आया है,
और वो बहुत खुश हैं। लेकिन आगे आपको और आगे बढ़ना है डियर। आज आज भी आप देखते हो और उम्मीद लगाए बैठे हो, ठीक है डियर। आप मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो, चिंता में ही आपकी रात कट रही है डियर, और दुनिया काफ़ी आ गई है। लेकिन उम्मीदें अभी भी बैठे हुए हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में मैं देख लूँ आपके लाइफ में सोल ग्रोथ है डियर। काफ़ी झगड़े, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं और दुनिया आई हैं, लेकिन आपको इस बातों को नहीं सोचना है, क्योंकि डियर आपके बीच थर्ड पार्टी है जो उन्हें अलग करवाई है। आप एक परफेक्ट मैरिड लाइफ आपको चाहिए, आप सोच रहे हो, और आपके साथ आपके पर्सन भी सोचते हैं। आपने काफ़ी सपने देखे हैं शादी को लेकर, आप भी अपने आप को काफ़ी चेंज किया है और चेंज ला रहे हो। आपकी फैमिली लाइफ चाहिए उनके साथ, ऐसा आप सोच रहे हो। आप हर कोशिश कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, जितना हो सके यूनिवर्स से आप कनेक्ट कर रहे हो डियर। तो मैं यहाँ देख रही हूँ डियर, आपके पर्सन इस वक्त अपने आप को बिजी रख रहे हैं, ठीक है, अकेलापन फील कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब आपसे वो खुल कर नहीं बोल रहे, लेकिन आपके लिए बहुत प्यार, बहुत ही प्यार आपके लिए है, बहुत डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन अभी वो टाइम आपके लिए नहीं है डियर, ठीक है। कुछ के लिए टाइम हुआ है, कुछ को कुछ के लिए कॉल मैसेज आ रहा है, आया भी है, कमिटमेंट भी दिया है। कुछ लोग को मैं देख पा रही डियर कि अभी आप लोग का कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कुछ उनकी मजबूरियां हैं, या फिर आपको कुछ अपने ऊपर भी काम करना है डियर, कुछ ब्लॉक है जो उसे हील करना है। आपको कुछ न कुछ अपने लाइफ में कुछ चेंज लाना है, आपको कुछ न कुछ दान करना है, जो कि गुप्त दान हो, कुछ भी हो डियर, गरीबों को खाना खिलाइए, मंदिर में दीजिए, कुछ न कुछ आपको दान करना। आपको दिल करता है किसी को कुछ खरीद कर कपड़े देने का, तो आप वो भी दे सकते हो, किसी को खाना खिला सकते हो, तो ये सब आप आपको करना है डियर, ठीक है। और पक्षी को पानी जरूर दे, दाना दे, कौए को रोटी जरूर दे, कुत्ते को रोटी दे डियर। कुछ आपके लाइफ में ब्लॉकेज है डियर, आपको ये सब करना है, लेकिन आपके पर्सन कोशिश कर कर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत एक बेचैनी है कि आपसे वो कॉल मैसेज करें, आपसे वो मिलना चाहते हैं डियर, ठीक है। अभी आपको माइंड बॉडी सोल को बैलेंस में लाना है डियर, क्योंकि वो जहाँ हैं अटके हुए हैं, वो निकलेंगे डियर, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन आप लोग विश्वास कीजिए, है ना, विश्वास की जर्नी है, तो आपको पेशेंस, बैलेंस, विश्वास रखना होगा, ठीक है। आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन जैसे जिस माहौल में हैं, लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली से प्यार है, पेरेंट्स से प्यार है, कुछ उनका दबाव है, कुछ सोसाइटी से डरते हैं, तो डियर यहाँ जो डर है खत्म इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका टाइम इस वक्त अभी नहीं आया। जिन लोग का टाइम आ रहा है, उन लोग की रीयूनियन हो रही है, उन लोग को कमिटमेंट मिल रही है। जो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है आप लोग के, जो कार्मिक साइकिल में अटके हुए हो, अभी आप लोग को थोड़ा और काम करना है डियर। आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो, आने वाले समय में सब कुछ ठीक होगा डियर, क्योंकि आपने विश्वास किया है। इस जर्नी में आपको थोड़ा भी निगेटिव नहीं सोचना है, जहाँ निगेटिव सोच लिया सब कुछ खत्म हो जाएगा डियर, क्योंकि ये जो प्रकृति है हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन हम प्रकृति से ज़्यादा अगर कुछ गलत करते हैं तो हमें बहुत बुरा परिणाम भोगना पड़ता है डियर, बहुत हमें बुरे समय से गुजरना पड़ता है। इसलिए इस अर्थ मदर को हील कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट रहिए, खुद को विश्वास कीजिए, जपा जाप कीजिए, जितना हो सके अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। ये विश्वास की जर्नी है डियर, ये आपके विश्वास पर है कि आप कहाँ तक, कितनी जल्दी आप अपने सोल पर्पस की ओर बढ़ते हो और आप अपनी रियूनियन तक बढ़ते हो। क्योंकि डियर हम लोग सिर्फ आप लोग को एनर्जी देखते हैं और आपको हीलिंग गाइडेंस देते हैं। बेटा कर्म आपको करना है, आपको ही आगे बढ़ना है, सिर्फ हम लोग आपको गाइडेंस देते हैं डियर, ठीक है। आप सोचना नहीं है, रोना नहीं है, क्योंकि इस जर्नी में दर्द पेन बहुत हो सकता है, लेकिन डियर मैं यही बोलूंगी कि बस आप अपने जर्नी को पूरा करते जाएं, क्योंकि इस जर्नी को पूरा करने में बहुत दर्द पेन होता है, बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन इस बीच आपको बैलेंस करना होता है, विश्वास, पेशेंस रखना होता है। जब आप यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं डियर, सब कुछ आपका हो जाता है। बस आप विश्वास की जर्नी पे चलिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं, उस साइन को पकड़िए और आगे बढ़ते जाइए। कुछ के सपने में कुछ मैसेज आ रहे हैं, उस सपने को पकड़ना है, और डियर जो आपके पर्सन जो आपको मैसेज देना चाहते हैं, वो मैसेज को मैं आपको सुना देती हूँ डियर, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ आपके पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं, मैं
तुम्हें भुलाना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने से तुम्हें दूर करना नहीं चाहता हूँ, प्यार मैं तुमसे बहुत करता हूँ, मैं बदला नहीं हूँ। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, मैं तुमसे बेवफाई कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें उतना ही चाहता हूँ जितना मैं कल चाहता था, आज भी मैं तुम्हें उतना ही चाहता हूँ। तुम मुझे समझ सकती हो, तुमसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं समझ सकता है। मैं अभी परेशान हूँ, मजबूर हूँ, मुझे टाइम दो, वक्त लगेगा, लेकिन मैं आऊँगा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ से मैं तुम्हें छोड़ कर गया था। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं सॉरी कहता हूँ, मैं तुम्हें हर पल पाने की कोशिश करता हूँ, मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दूर से ही तुम पर नज़र रखता हूँ। मुझे जेलसी फील होता है कि तुम किसी और से बात तो नहीं करती हो, मैं तुम्हें फील करता हूँ, हर रात मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊँगा। तुम मुझे वक्त दो, मैं आऊँगा, लेकिन मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम मुझे कभी भी भुलाना मत, मुझे बेवफा मत बोलना, तुम मुझसे नफरत मत करना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जी डियर, जो मेल हो फीमेल हो जिसको हो जैसे ले लीजिए, क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, ये मेल के लिए भी हो सकता है, फीमेल के लिए भी हो सकता है। तो वो आपको सॉरी बोल रहे हैं डियर, जो मैसेज था वो उनका दिल से था, जो सोल कनेक्शन एक ट्विन की जो आवाज़ होती है डियर, ये आपके लिए आपके पर्सन का मैसेज था। सो आपको मिस कर रहे हैं, वो हर कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए, लेकिन वो चाहते हैं उन्हें नाम, उनको टैग मत लगाइए कि वो बेवफा हैं या फिर आपको वो धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो सॉरी बोल रहे हैं और मिस यू, आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपको आई लव यू बोल रहे हैं डियर। तो ये थी आपके पर्सन की करेंट एनर्जी जो आपको मैसेज दे रहे थे, जो एनर्जी आपकी है, अगर ये एनर्जी पूरा आपसे मैच करिए तो ये आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए डियर। तो चलिए डियर, आप लोग पॉजिटिव रहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए और सुबह उठकर ओम चैंटिंग कीजिए और पानी पीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट होकर अच्छे चीज़ मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। अपने दिनचर्या में चेंज लाइए, खुद में चेंज लाइए, अपने लुक में चेंज लाइए, अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाइए डियर, ठीक है। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो डियर ये थी आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा डियर। सो गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।